नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदी और मैं हूं अरुण। नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम का नजारा सोमवार को हॉकी प्रेमियों के लिए बेहद शर्मनाक रहा। यहां नेहरू कप के फाइनल के दौरान पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब पुलिस की टीम के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। दोनों टीमों के बीच लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस के खिलाड़ी ज्यादा आक्रामक थे। वे पीएनबी के खिलाड़ियों को पीटने के लिए हॉकी स्टिक लेकर पीछा कर रहे थे। मारपीट के दौरान एक खिलाड़ी जमीन पर भी गिर गया, लेकिन उसके बाद भी उसकी पिटाई जारी रही। अच्छी बात यह रही कि मारपीट के बाद भी मैच खेला गया। इस मैच में दोनों टीमों के 8-8 खिलाड़ी पिच पर मौजूद रहे। पीएनबी ने मुकाबला 6-3 से जीत लिया। दोनों टीमों के बीच हुई झड़प के बाद भारतीय ओलंपिक संघ ने नाराजगी जाहिर की। संघ ने टूर्नामेंट प्रबंधकों से घटना की रिपोर्ट की मांग की है। मारपीट के दौरान ऑनफील्ड एम्पायर ने दोनों टीमों के 3-3 खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया। रेड कार्ड दिखाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैच रुका रहा। भारतीय हॉकी के सीईओ एलिना नॉर्म ने कहा कि हम टूर्नामेंट के अधिकारियों की आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। किशोर वाले साइड में मार दिया भाई उसको। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।